मेरे दोस्त रिसेंट में अपने मनोज जी की वीडियो देखा जिनमें उन्होंने बताया कि 4 मिलियन व्यूज आया उनकी वीडियो पर और उसमें मात्र कमाए हुए $25 की शॉर्ट्स वीडियो में। तो टोटल मुझे $25 मिला है दोस्तों 4 मिलियन व्यूज का। 4 मिलियन व्यूज पे दोस्तों यहाँ पर YouTube शॉर्ट्स के थ्रू मिला है $25। $25 का वैल्यू होता है दोस्तों लगभग 2000 रुपया, ठीक। जिसे देखकर बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए और बोले ना यार रोहित सर हम लोग शॉर्ट्स वीडियो झूठे मेहनत कर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो में पैसा नहीं है। जो मनोज भाई ने दिखाया क्या वो सच्चाई है? क्या सच में शॉर्ट्स वीडियो में पैसा नहीं है? और एक और आखिरी चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम लोग YouTube पे क्यों आते हैं, नाम और पैसा कमाने के लिए। तो शॉर्ट्स वीडियो में ऐसा कौन सा कंटेंट है, किस तरीके से हम वीडियो बनाएं कि शॉर्ट्स वीडियो से भी हमारा नाम हो, हम भी पैसा कमाएं। तो किस तरीके से शॉर्ट्स वीडियो बनाना इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मनोज दे की अर्निंग के बारे में बात करने से पहले जो सच्चाई मनोज दे ने दिखाई क्या वो सच है या नहीं है, उससे पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो में अंतर क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही डाउट है कि यार हम शॉर्ट्स वीडियो बनाए या फिर लॉन्ग वीडियो बनाए। कोई कहता है शॉर्ट्स वीडियो में पैसा है, कोई कहता है शॉर्ट्स वीडियो में पैसा नहीं। आखिर सच्चाई क्या है, क्या है लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो का अंतर क्या है, सबसे पहले आप यह ध्यान धरिए। तो बात करते हैं लॉन्ग वीडियो के बारे में। तो लॉन्ग वीडियो में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो वहीं आपको 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टेंट रिसर्च करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा, फिर थंबनेल बनाना पड़ेगा, ठीक। तो वहां पर आपको 12 से 15 घंटे काम करने के बाद आपका एक प्रॉपर तरीके से लॉन्ग वीडियो तैयार होता है। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में अगर आप 1 घंटे मेहनत करते हो, एक अगर नौसिखिया है तब भी वो 1 घंटे में एक अच्छा शॉर्ट्स वीडियो बना लेगा। तो जहां हमको एक वीडियो बनाने के लिए 12 घंटे मेहनत करना पड़ा, वहीं हमें एक वीडियो बनाने के लिए केवल 1 घंटे मेहनत करना पड़ा। तो टाइम कम लगता है दोनों, ये शॉर्ट्स में, और लॉन्ग में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अंतर सुनिए, जहां हम 12 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं लॉन्ग वीडियो, उस पर हमारी ऑडियंस जाती है मान लो 20,000 व्यूज जाता है, 1,00,000 व्यूज जाना बहुत बड़ी बात है लॉन्ग वीडियो पे। अगर वहीं हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो कम समय में 1 घंटे में एक शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे और हमारी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा शॉर्ट्स वीडियो भी। आप सभी लोग जानते हो कि शॉर्ट्स वीडियो को कितना ज़्यादा रीच है, तभी तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां मान लो जैसे मार्क जुकरबर्ग देखो, वो भी शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक रील मार हुले जा रहे हैं, YouTube ज्यादा प्रमोट कर रहा है शॉर्ट्स वाले को। क्यों? क्योंकि ऑडियंस लॉन्ग की अपेक्षा शॉर्ट्स में ज्यादा है, ये आपको समझनी चाहिए। आने वाले समय में मार्केट शॉर्ट्स वीडियो की है, और आप लोग जो अभी आ रहे हो, आप अभी का देखो, 1 साल 6 महीने बाद का देखो, कितना ज्यादा लॉन्ग वीडियो के अपेक्षा शॉर्ट्स वीडियो में ऑडियंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि लॉन्ग वीडियो में भाई टाइम ज़्यादा लगता है, ऑडियंस कम मिलता है, और वहीं शॉर्ट्स वीडियो में टाइम कम लगता है और ऑडियंस ज़्यादा मिलता है। अब बात कर लेते हैं पैसे की, जिस वजह से हम लोग यूट्यूब पे आते हैं। तो क्या शॉर्ट्स वीडियो में पैसा है या नहीं है? जो मनोज भाई ने दिखाया कि 4 मिलियन व्यूज पे केवल $25 आया, क्यों कमाया इतना? और आपने ये भी देखा होगा, मनोज भाई ने ये भी बताया है कि ये वीडियो इनकी 24 दिन पुरानी है, मतलब 24 दिन में 3 मिलियन व्यूज आया और जिसपे उनको $25 की अर्निंग हुई। कितने दिन में? 24 दिन में। टोटल मुझे $25 मिला है दोस्तों 4 मिलियन व्यूज का। 4 मिलियन व्यूज पे दोस्तों यहाँ पर YouTube शॉर्ट्स के थ्रू मिला है $25। $25 का वैल्यू होता है दोस्तों लगभग 2000 रुपया, ठीक। क्योंकि मनोज भाई ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते नहीं, आप सभी लोग जानते हो। तो भाई 24 दिन में 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज आया, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया उनके, और वहीं पर $25 की अर्निंग हुई। अब ऐसे आप ध्यान दीजिए कि 4 मिलियन व्यूज पे $25 की अर्निंग, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ सके। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 4 मिलियन व्यूज पे $25 बन रहा है, राइट। इससे ज़्यादा भी बनता है, मैं एकदम कम से कम लेके चलता हूँ $25, ठीक। अब होगा क्या, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, अगर आप पर डे मेहनत करते हो, पर डे आप 3 वीडियो अपलोड करते हो, शॉर्ट्स वीडियो 3 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो, तब आपको क्या करना होगा ध्यान दीजिए। अगर मान लो आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हो 3 वीडियो पर डे, एक वीडियो पे आया 1 मिलियन व्यूज, एक वीडियो पे आया 7 लाख व्यूज, एक वीडियो पे आया 5 लाख व्यूज, पर डे आप किसी वीडियो चल रही व्यूज बढ़ता करता रहा है, लेकिन आप पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो जब पर डे वीडियो अपलोड करने लगोगे तो आपकी रिसेंट वीडियो पे 1-2 मिलियन व्यूज आने लगेगा, भाई किसी पे 1 मिलियन व्यूज आया, किसी पे 2 लाख आया, किसी पे 7 लाख, ठीक, ऐसे ही आता रहेगा। और पुरानी वीडियो का भी जब व्यूज इकट्ठा होता है तो 48 घंटे में आपकी रिसेंट वीडियो हो जाएगी मान लो 6 मिलियन, गिरी हालत में 6 मिलियन होती है, बहुत सारे लोगों को तो 10 मिलियन होता है, मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि 6 मिलियन आपका 48 घंटे में व्यूज है, या फिर 24 घंटे में व्यूज है 6 मिलियन। अब सोचो जहाँ मनोज भाई को केवल 4 मिलियन व्यूज पे $25 मिला, वहीं क्या 6 मिलियन व्यूज पे $35 से $40 आपकी अर्निंग नहीं होगी?
होगी ना। अगर आप 3 वीडियो पर डे अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पे व्यूज ज़्यादा आएंगे। तो सोचो अगर 48 घंटे में अगर आप पूरी वीडियो को मिलाकर, पुरानी वीडियो नई वीडियो को मिलाकर 6 मिलियन व्यूज़ भी आप लाते हो तो आपकी $40 अर्निंग पर डे होगी। महीने का हुआ कितना, $1200, $1,00,000 तो आपका केवल एडिशंस का हो गया। अभी फिक्स नहीं है, नीचे भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताया जैसे कि मैं एक मिनिमम लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे समझा पाऊँ, जो कि मनोज भाई की वीडियो में आपने देखा है, 4 मिलियन व्यूज़ पे $25 की अपेक्षा मैं लेके चलता हूँ, जबकि कम पैसा है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। फिर भी आपकी $1,00,000 अर्निंग हुई कि नहीं हुई, हुई ना। अब बात करते मेहनत आपने कितना किया। मनोज भाई ने जो वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि 4 मिलियन व्यूज़ पे $25 मिला है, अब आप जरा सा पूछो कि उस वीडियो को बनाने में उनको कितना टाइम लगा था। अगर अच्छा खासा एडिटर होगा तो ज़्यादा ज़्यादा 7 मिनट में एडिट कर देगा, 5 मिनट में एडिट कर देगा। अगर कोई नौसिखिया होगा तो 15 मिनट में एडिट कर देगा वीडियो। तो जिस वीडियो को केवल 15 मिनट में जो वीडियो तैयार हो गई, वह वीडियो पे 3 मिलियन लोगों ने देखा और $25 की अर्निंग हुई। इसी तरीके से अगर आप 1 घंटे काम करते हो तो आपका 1 शॉर्ट्स वीडियो बनेगा। 24 घंटे में अगर आप 3 घंटे काम करते हो तो आपका 3 शॉर्ट्स वीडियो बनेगा। तो अगर आप मेहनत करते हो, दिल लगा के व्यूज जाता है, तो सोचो अर्निंग है कि नहीं है केवल 3 घंटे काम करके। बस दिक्कत यह है कि लोग करना नहीं चाहते। दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं कि पहले पैसा हमको दिख जाए तब करें। पैसा है शॉर्ट्स वीडियो में। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने पैसे कमाया है। आप जाइए मेरे रोहित राज मोटिवेशन पे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बताया है कि यार पहले मेरे पास रिचार्ज के पैसे नहीं थे, आज वो बंदा शॉर्ट्स वीडियो की कमाई से 1,00,000 रुपये पेमेंट लिया और 1.5 लाख की मोबाइल लिया, 80,000 की मोबाइल लिया, कोई 1.5 लाख रुपये का पेमेंट ले लिया। लेकिन कुछ लोग दिखाते नहीं, क्यों क्यों उनका पैसा इतना ज़्यादा क्यों होता है पता है? क्योंकि पर डे वीडियो अपलोड करते हैं, पर डे वीडियो 3-3 अपलोड करते हैं। सोचो किसी वीडियो पे अगर महीने में मैं मांगता हूँ 12 वीडियो भी मिलियन में पहुंच जाती है, 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 12 वीडियो में आ जाती है महीने में। फिर भी सोचो कितने महीने का व्यूज, कितना डॉलर हुआ, $1,000, $1,200 कमाएंगे वो लोग केवल 3-3 घंटे काम करके। एक स्टूडेंट हो आपके 3 घंटे काम करके आप पढ़ाई करो, 1,00,000 रुपये कमाओगे। और वहीं लॉन्ग वीडियो में मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सही गलत का निर्णय लेना पड़ेगा, थंबनेल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप $1,000-1,200 कमाओगे। और लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार हमें सोर्स किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हमको नाम और पैसा दोनों मिले। ध्यान से सुनिएगा, YouTube पे यूट्यूबर पैसा कमाता है ना ही व्यूज से ना ही कुछ और से, वो फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा कमाता है, ये बात दिमाग रख लो। बहुत सारे लोगों को देखोगे उठपटांग ब्लॉगिंग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो उससे पूछो कितना पैसा कमाते हैं, साथ एक शॉर्ट वीडियो से भी कम पैसा कमाते हैं, भले वीडियो में व्यूज ज़्यादा आए, कंपनी उन्हें पूछती तक नहीं है गंदे कंटेंट से। अगर वही आप अगर अच्छे कंटेंट देते हो, आपकी फेस वैल्यू बनी हुई है, तो बड़े बड़े कंपनियां हाथ फैला खड़े होंगे, आओ भैया यूट्यूब से दुगना पैसा हम देंगे। तो आप जब भी शॉर्ट्स वीडियो बनाओ एक जेन्युइन कंटेंट बनाओ, फेस कैम वीडियो बनाओ अगर हो सकता है तब, अगर आपके पास अच्छे कैमरे हैं, नहीं है फिर भी आप अगर कोशिश कर सकते हो फेस कैम वीडियो बनाने की, जिससे आपकी फेस वैल्यू बनेगी। और अगर स्टार्टिंग में एकदम से घटिया मोबाइल है आपके पास तो वॉइस ओवर वीडियो बनाओ, धीरे धीरे जब पैसा कमाओ तो आ जाओ फेस कैम में, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में जब फेस कैम बनाते हो ना तो आपकी फेस वैल्यू बनती है। आज एग्जांपल में ए टू मोटिवेशन अरविंद अरोरा सर को कैसे आप लोग जान गए, इतने लोग तो लॉन्ग वीडियो से जाने हो क्या? बहुत सारे मास्टर पढ़े हैं लॉन्ग वीडियो बनाने वाले, आप कैसे जाने हो? शॉर्ट्स वीडियो से, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें मिला कि आज ये 10-12 लाख रुपये केवल ए टू मोटिवेशन से कमा रहे हैं। फेस वैल्यू बनाना सीखो मेरे दोस्त, आप नॉलेज वाली वीडियो बनाओ, आप जेन्युइन कंटेंट बनाओ, ये नहीं उठपटांग चीज़ें लोगों को बोलने लग जाओ। बहुत सारे लोगों को तो ये ट्रेंड चल रहा है, बढ़िया चीज़ बताओ जिसे देखकर ऑडियंस भी खुश हो और कंपनी भी कहे ये बंदा मेरी कंपनी को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कीचड़ में कोई नहीं नहाना चाहता, नहाना चाहते हैं तो लोग गंगा में नहाना चाहते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को कीचड़ बनाते हो या फिर गंगा जैसा पवित्र कंटेंट बनाते हो। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।